हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज माय यूट्यूब चैनल जानी फिशल हब और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मस्किन। तो गाइस, इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि जो बहुत ही आसान है और देखने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वो ट्रिक ये है कि आप लोग किस तरह अपनी पिक्चर पर जो है ना, खुद अपनी शायरी जो है, पोइट्री अपनी पिक्चर पर किस तरह लिख सकते हैं और अपना स्टेटस खुद किस तरह बना सकते हैं। आप लोग टिकटॉक पर वीडियो देखते हैं, वो आप सोचते हैं कि ये पता नहीं कैसे बनी होती। तो मैं आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कि आप बिल्कुल आसानी के साथ वो स्टेटस या वीडियो आप बना सकते हैं। तो गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ताज़ा और अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आइए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने क्या करना है, ये कॉइन मास्टर, ठीक है, ये एप्लीकेशन है कॉइन मास्टर, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली कॉइन मास्टर एप्लीकेशन, ठीक है, इसको आपने जो है ना इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपने इसको ये ऐसे आपने इसको ओपन कर लेना। ये देखिए, ये कॉइन मास्टर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये न्यू प्रोजेक्ट, ये प्लस का निशान, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अगर यूट्यूब साइज़ का बनाने चाहते हैं तो वो आप 16 पॉइंट जो से भी आप रेशियो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, 9.16 भी कर सकते हैं या 60.9 कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस के लिए बनाना चाहते हैं तो ये दरमियान वाली मैं आपको जो है ना रिकमेंड करूँगा, ठीक है। आप यहाँ से रेशो जो है वो सिलेक्ट करें, यहाँ पर ये मैं रेशो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक तस्वीर अच्छी सी सिलेक्ट करनी है जिससे जिस पर आपने वो पोएट्री लिखनी है। क्या करना है, आप मैं यहाँ से ना एक पिक्चर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कोई सी भी, ये मैं ये अपनी कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी पिक्चर आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने वो वाला स्टेटस जो आप चलाते हैं और उसके ऊपर वो वाली जो पोएट्री आती है वो वाला स्टेटस आपने इसके ऊपर लगाना है। आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये लेयर में जाना है। ये देखें, जैसे मैं लेयर में चलिए, यहाँ पर मीडिया में जाना है आपने, मीडिया में। अब यहाँ पर आपने जाना है जिस जगह पर आपका वो स्टेटस सेव है, तो यहाँ पर ये मेरा स्टेटस यहाँ पर ये सेव है। ये देखिए ये वाला स्टेटस है, मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ ये स्टेटस कौन सा है, ठीक है। तो इसको मैं ना अब इसको मैं बनाने लगा हूँ, तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ बताऊँगा कि ये किस तरह बनता है। तो ये देखिए ये अभी चल रहा है। यकीन कीजिए साहिब, यकीन नहीं मार रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये आपकी पिक्चर तो हाइड होगी, अब आपने क्या करना है, इसको हाइड करना है, ठीक है। ये इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक निशान नज़र आएगा, ये जो है ना चरोमा की, ये देखें चरोमा की पे आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर वाली जो पिक्चर आया ना वीडियो, इस पर क्लिक करना है, पिक्चर को नहीं छेड़ना, इसको आपने इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करें, यहाँ पर आपने क्या करना है, एक कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर से आपने जो ये ना हाइड हो जाए। मैं यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये वाला हाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे ये वीडियो वो वाली जो है ना वो हाइड हो गई, ठीक है। अब मैं इसको आपको चलाकर दिखाता हूँ। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या पहले इसको ना आप ऑडियो में कन्वर्ट करके ऑडियो भी नीचे लगा सकते हैं अगर आपको हाइड नहीं करना आता। तो फिर आपने क्या करना है, ये देखो ये वही वीडियो थी जो मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, आप चाहते हैं कि वो वाले मैं जो है ऊपर आ रहे हैं ना अल्फाज, वो मैं अल्फाज भी यहाँ पर लिखूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर आपने लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्स्ट में, या तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं कि यकीन कीजिए साहिब, वो यहाँ लिखेंगे और फिर आपके जो आप इमोजी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जो कुछ मर्जी लिखना यहाँ पर लिख कर, या फिर आपने क्या करना है, कॉपी कर व्हाट्सएप पर ये वाले कॉपी किए हुए हैं, ये देखें मैंने कॉपी किया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पर बेहतर है कि आप यहाँ लिख लें और फिर इसको ना कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। ये देखिए मैं आगे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। ये देखिए ये पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको रख के इसके बाद आपने क्या करना है, इसका कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना, जो सा मर्जी कलर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी आउटलाइन बना देनी है, ठीक है। तो गाइज़ आपने ना इसकी एक आउटलाइन सिलेक्ट कर लेनी, जैसे कि मैं ये अभी इसकी आउटलाइन सिलेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ पर आपने इसकी जो है ना आउटलाइन कोई और लगा देनी है, सफ़ेद कर लें बेहतर तो है, या सफ़ेद करेंगे ना फिर इसको आपने क्लिक कर देना है, थोड़ा सा अब इसको बड़ा कर दें। अब ये हो गया, अब इसको आपने टिक करना। अब ये है कि वो जो है ना आप यहाँ पर इसका वो दूसरा होता है ना फॉन्ट, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो उनसे मर्जी। मैं यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया, अब आपने क्या करना है, इसको इन एनिमेशन या अंदर की तरफ लाना है, बाहर से अंदर आए, या फिर ओवर एनिमेशन, या फिर स्क्रीन के ऊपर ही रहे, या फिर आप आउट एनिमेशन या अंदर से बाहर की तरफ जाए। तो आपने क्या करना है, आउट एनिमेशन ही बेहतर। आपने क्या करना है, लेफ्ट कर लें, आप जहाँ से मर्जी करें। ये देखिए अब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसको आप छोटा कर लें ताकि ये सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको टिक कर देना। अब आपने आगे वाला लगाना है, यकीन कीजिए साहब यकीन ने मारा है, ठीक है। अब आपने वो वाला पेस्ट करना है, यहाँ पर आपने लेयर में जाना, ये टेक्स्ट में जाना, यहाँ पर आपको अगर लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो
तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये वाला कॉपी कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, ये वाला यकीन ने मारा है ये, पर आपने इसने काट करना है। यहाँ पर आपने इसे कॉन्वर्ट में चला, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है या आप खुद राइट कर लें। मैं इसको ओके करता हूँ, जैसे ही आप ओके करेंगे ये वाला अब आ गया, ठीक है। तो मैं ये आपको चला कर अभी ना दिखाऊँगा, और इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लें जहाँ पर आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पर आपने एक तो इसको फ़ॉन्ट साइज जो है ना वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई सा भी लगा सकते हैं फ़ॉन्ट साइज, मैं फिर वही लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ना थोड़ा सा अपने थोड़ा सा बेहतरीन करना है, ठीक है। इसको सेट करना है जैसे कि मैं ये अभी कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहले ठीक है। उसके बाद आपने इसका कलर सेलेक्ट करना है, कलर पहले ही सफ़ेद है। अब आप जो है ना ये सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आउटलाइन में जाना है। जैसे कि मैं ये आउटलाइन में चला गया, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर से आपने जो आउटलाइन के लिए वो नीला कलर सेलेक्ट कर लें, ये नीला कलर मैंने सेलेक्ट किया। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। जैसे आप बढ़ाएंगे ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला काम क्या होगा कि आपने इसको ना जो है ना आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन या ओवरऑल आउट एनिमेशन करेंगे। आप वो वाला भी लेफ्ट किया था, अब ये भी लेफ्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लेफ्ट करेंगे ये वाली अब जो है ना ओके हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये वाली वो देखिए, ये वीडियो मेरे जो है गैलरी में सेव होगी। ये देखिए, ये जैसे मैं अभी आपको वीडियो चलाकर दिखाता हूँ, यकीन कीजिए साहिब, यकीन ने मारा है। ये बिल्कुल आसानी का सेटअप बन जाता है, तो आप बिल्कुल आसानी से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।